हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टोडे डॉट कॉम माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड टूडे वी आर गोइंट टू डू गवर्मेंट लोन एंड फाइनेंसिंग स्कीम्स इन इंडिया सो वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स हार्डली थ्री फोर स्कीम्स भी अर गोइंग टू डू तीन चार स्कीम्स करेंगे हम एंड उसी के एम सी के यूज़ करेंगे एंड बहुत इम्पॉटेंट है फॉर योर एग्जाम्स राइट सो वी आर डूइंग दिस सेशन फॉर एम पी ए रिक्रूटमेंट पोस्ट उसके लिए हम ये सारे सेशन हम कर रहे हैं सो एम पी ए बैंक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्स इज अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम छे डॉट कॉम फॉर ऑल द पोस्ट फॉर नोडल एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन आपका जो एडिशनल टू सी ई वो सारी पोस्ट असिस्टेंट टू सी ई ओ वो भी पोस्ट हम कर रहे हैं सो लिंक टू ऑल द आर अवेलेबल इन अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज़ चेक सो वी आर गु स्टार्ट विद द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सो इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कीम स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट वाई वी आर डूइंग इट टूडे हम ये कर क्यों रहे हैं बिकॉज ऑफ वन अपडेट एक अपडेट है उसके कारण हम कर रहे हैं सो वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी सो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

सो लोन्स अप टू लोन्ेन लाख रुपीज नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज प्लीज़ रिमेंबर नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज फार्मर्स के लिए लोन नहीं है ये सो लोन्स लोन्र देर अंडर थ्री कैटेगरीज देर आर शिशु लोन लोन्स सो तीनों सब काइंड ऑफ लोन्स हैं मुद्रा योजना के अंडर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है ठीक है सो अप टू फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लाख फाइव लाख टू टेन लाख डॉक्यूमेंटेशन अलग है पचास हजार रुपये तक की डॉक्यूमेंटेशन अलग है पांच लाख तक की डॉक्यूमेंटेशन अलग है एंड देन उसके ऊपर वाले की डॉक्यूमेंटेशन अलग है सो शिशु लोन्स अप टू द लोन इज नोन एज शिशु लोन अप टू फाइव लैक्स इट इज नोन एज किशोर लोन अप टू टेन लैक्स इट इज नोन एज द तरुण लोन सो नो कोलेटरल रिक्वायर कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं देनी है यहाँ पे <coughs> एक अपडेट ये है कि यूनियन बजट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में uh, uh, एफ एम निर्मला सीतारमन की मुद्रा लोन की लिमिट है वो सिर्फ ट्वेंटी लैक्स कर दिया इट इज नॉट ट्वेंटी लैक्स फॉर हु हैव रीपेड प्रीवियस लोन्स अंडर द मुद्रा योजना अंडर तरुण कैटेगरी जिस भी पर्सन ने तरुण कैटेगरी के अंडर दस लाख रुपये तक का लोन लिया है उसको रीपे कर दिया है ना वो बीस लाख ,00 तक का भी लोन ले सकता है राइट right? अंडर द मुद्रा योजना वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये अपडेट एग्जाम में आ सकती है सो so, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ आधार पैन वोटर कार्ड एड्रेस प्रूफ प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रेड लाइसेंस पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स अगर आप नया बिज़नेस कर रहे हो तरुण के अकॉर्डिंग तो बिजनेस प्लान चाहिए यहाँ पे प्लान चाहिए कि आप रेवेन्यू कहाँ से लेकर आओगे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकती है सो अंडर द मुद्रा योजना वॉट इज द मैक्सिमम लोन अंडर द तरुण कैटेगरी इट इज टेन लाख रुपीज इंपॉर्टेंट बट एज पर द यूनियन बजट वॉट इज द न्यू प्रपोज्ड मुद्रा लोन लिमिट फॉर ऑन्टरप्रनोर्स हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो uh, मान लीजिए जनधन योजना है सुकन्या समृद्धि योजना है किसान क्रेडिट कार्ड है अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है कभी भी तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं <coughs> क्योंकि ये पॉपुलर स्कीम्स हैं बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं राइट right? और बैंक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ओके okay? तो यू शुड नो द आंसर इट इज़ ट्वेंटी लाख रुपीज़ अब जो मर्जी हो जाए आप इसको याद ही रखोगे अगर आपने ये सेशन देख लिया है तो आपको याद रहेगा सो so, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसको स्क्रीन शॉट ले लें मैं भूल चुका हूं वैसे इतने लंबे टेक्स्ट अगर पढ़ने पसंद हैं तो पढ़िए लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये एस सी एस टी और वुमेन ऑनटरप्रनोर्स ऑफ एज ऑफ एटीन प्लस उनके लिए राइट right? अगर आप या तो एस सी एस टी हो या वुमेन ऑनटरप्रनो हो आपके लिए है द एससीएसटी और वुमेन ऑनटरपनॉज दे शुड हैव एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन केस इफ इट इज अ पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ अ बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर नहीं है एक से ज्यादा ओनर हैिफ्टी वन परसेंट ओनर्स शुड बी एस सी एस टी और वुमेन ऑनटरपोनॉर्स राइट एंड इट इज फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स नाउ वॉट आर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्रीन फील्ड सिग्निफाइज द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशरी इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्री अलाइड सर्विसेज ऑफ द ट्रेडिंग सेक्टर पहली बार काम करने जा रहा है ऐसा नहीं है दैट संबडी इज ऑलरेडी हैविंग अ फैक्ट्री ही इज गोइन टू स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री दैट इज नॉट ग्रीन फील्ड ओके द ग्रीन फील्ड इज

आपका कोई फैमिली मेम्बर कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है आपने कभी कोई ऐसी आपकी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है आप नया कर रहे हो राइट एंड यू आर नॉट अ डिफॉल्टर आपके सिबिल में कोई डिफॉल्ट नहीं है देन यू आर एलिजिबल ओके बेनिफिट्स क्या है लोन रेंजिंग फ्रॉम टेन लैक्स टू वन करोर एंड लोन्स कैन बी टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल दोनों लोन लिए जा सकते हैं टर्म लोन लीजिए uh, या आप वर्किंग कैपिटल सी भी करवाइए राइट right? सो रीपेमेंट पीरियड अप टू सेवन ईयर्स विद मैक्सिमम मोरिटोरियम पीरियड ऑफ एटीन मंथ्स एटीन मंथ्स का मोरिटोरियम पीरियड दिया जा सकता है इट्स अ पीरियड वेन यू डोंट नीड टू पे एनी प्रिंसिपल ऑफ और इंटरेस्ट अट्ठारह महीने तक कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट मत पे कीजिए आप अपना बिजनेस कीजिए सो डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है हर बैंक की प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिटेंस बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट आइडेंटिटीज़ वो सारा बैंक देखेगा राइट 85% uh, of the project cost can be financed uh, by the bank rest of the loan uh, project should be financed by the proprietor himself right so what is the security here the credit guarantee fund scheme for startup india loans right so that's how the credit uh, the guarantee is provided okay the loan may be secured by the collateral security collateral security or guarantee from क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप इंडिया लोन्स राइट सो सी जी एफ एस आई एल या तो वो प्रोवाइड करेगा या को लेटर अपने आप लेकर आएगा वॉर ओवर सो हू इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लोन्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम एस सी एस टी और वुमेन ऑनटरपनॉर्स दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कीम ओके बट ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए वो मैं बता चुका हूं पहली बार काम कर रहे हो आपको और कुछ नया कर रहे हो सो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज वेरी इंपॉर्टेंट न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम एस एम जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज दे कैन टेक अप दिस लोन राइट अप टू टू करोड़ रुपीज को लेटरल फ्री गारंटी अप टू एटी फाइव परसेंट ऑफ द सेंशन अमाउंट गारंटी कवर प्रोवाइड होगा एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द सेंशन अमाउंट बेसिकली गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं Coverage includes both long term and working capital facilities, right? So, documentation is required: business plan, project report, financial statements, uh, proof of address, identity, right? All that is required. So, what is the maximum loan uh, amount covered under the CGT <coughs> MSE? So, it's 2 crore rupees is the max limit. 2 crore rupees is the max limit. So, you can read the explanation if you want to. So, National Small Industries Corporation subsidy. So, eligibility uh, all the MSMEs they are eligible must be registered with the, the National Small Industries Corporation. So, subsidies for uh, subsidized credit for raw material and marketing support is provided, financial assistance for technology upgradation, marketing support through consortia and tender marketing, right? सो दैट्स ऑल अबाउट इट इतनी कुछ ज्यादा पॉपुलर स्कीम है भी नहीं विच इज द फॉलोइंग इज बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द एन एस आई सी सब्सिडी स्कीम सब्सिडाइज क्रेडिट फॉर रॉ मटीरियल एंड मार्केटिंग सपोर्ट ओके सो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेसिकली दिस इज क्रेडिट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम ठीक है लोन प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे कोलिटरल फ्री लोन प्रोवाइड हो रहा है उस पर आपको सब्सिडी मिल रही है ठीक है सो इंडिविजुअल्स बहुत पॉपुलर स्कीम है इंडिविजुअल्स अबव द एज ऑफ 18 एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट अप टू 25 फाइव लाख रुपीज एंड सर्विस सेक्टर अप टू 10 लाख रुपीज़ सो न्यू प्रोजेक्ट की ये जो लिमिट है नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू फिफ्टी लैक्स 50 लैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज़ बिन इंक्रीज टू आई गेस ट्वेंटी लैक्स 20 lakhs for सर्विस सेक्टर सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अगेन कोई भी पॉपुलर स्कीम है उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एट स्टैंडर्ड राइट फॉर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अप टू टेन लैक्स सो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट्थ स्टैंडर्ड पास फॉर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अबब टेन लैक्स इन द मैफैक्चरिंग सेक्टर एंड फाइव लैक्स इन द सर्विस सेक्टर एट्थ क्लास तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए राइट right? सो so, सब्सिडी कितनी रिक्वायर्ड है मैंने एक प्रॉपर टेबल बनायाट यू कैन सीन द नेक्स्ट स्लाइड राइट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंट सॉरी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार पैन चाहिए यूटिलिटी बिल्ज आधार प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड ऑल राइट सो फॉर क्वालिफिकेशन डिग्री दिखा दो अपनी राइट सो दिस इज़ एलिजिबिलिटी भी हो गई प्रोजेक्ट कॉस्ट दिस प्रोजेक्ट कास्ट आपको यार ये पचास लाख है दिस इज ट्वेंटी लाख ठीक है

so maximum project cost uh, in the manufacturing sector is now 50 lakhs it's not 20 lakh. This update oga now it's 50 lakhs so i hope you like the today's session and you can you know uh, join the mp Epic's bank manager 2024 course on bankexamfriday.com in which we are providing the video class notes and the test series for all the, the courses all the streams right so links are available in the description and list of our successful students in the past all these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams and i'm really really happy for them and you can be one of them in the future so that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye